अक्सर कंपनियों के साथ ऐसा होता रहता है कि उनके आने वाले प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें लीक हो जाती हैं। इसका कंपनियों को कभी फायदा भी मिलता है तो कभी नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। अब ऐसे ही लीक की खबरें सैमसंग के आने वाले फोन को लेकर कही जा रही हैं, जिसमें पता चला है कि सैमसंग एक नई एम सीरीज के स्मार्टफोन पर काम कर रही है। भारतीय मार्केट में शाओमी के आने से बजट सेगमेंट में सैमसंग तेजी से पिछड़ा तो है, अब सैमसंग शायद इसी सेगमेंट में मजबूती के लिए गैलेक्सी M10 को लॉन्च करने वाली है। इस फोन के बारे में कुछ जानकारी भी मिली है। गैलेक्सी M सीरीज के कुछ स्मार्टफोन गैलेक्सी M10, गैलेक्सी M20, गैलेक्सी M30 और गैलेक्सी M40 बाजार में आ सकते हैं। अगर बात करें गैलेक्सी M10 की तो लिस्टिंग के मुताबिक इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज 6.2 इंच की होगी, जिसमें 3GB रैम होगा और इसकी इंटरनल मेमोरी 32GB की होगी। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 MP का रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और इसे ब्लू और डार्क ग्रे कलर में उतारा जा सकता है। इसकी कीमत को लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। नेक्स्ट 9 टेक के लिए राशिद अली की रिपोर्ट।